शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से अपने पद पर आए हैं लगातार शिक्षकों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और नए नए फरमान या निर्देश बोला जाए तो उसकी वजह से जिस तरीके से शिक्षक परेशान रहते हैं लगातार के पाठक सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें, हालांकि अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षकों को परेशान करने का जो ये सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। औरंगाबाद से एक मामला सामने आया जहां एक बोल सकते हैं शिक्षक मीरा कुमारी को अब ये डर सताने लगा है कि उनको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और शिक्षकों को ये प्रेशर काफी ज्यादा भारी भी पड़ रहा है। अब जो के पाठक का एक फरमान था कि जिन स्कूलों में 75% अटेंडेंस नहीं रहेगी वहाँ के प्रधानाध्यापकों को जिला अधिकारियों के पास जाके उपस्थिति दर्ज करनी होगी, ऐसा ही मामला औरंगाबाद से सामने आया। जब मीरा कुमारी पहुंची तो काफी ज्यादा शाम हो गया था, शाम के 5 बज गए थे और जब वो घर पहुंची तो लगभग 9 बज गए थे और इसी बीच मीरा कुमारी को ठंड लग गई और वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गई। उसके बाद जब उन्होंने छुट्टी मांगी तो उनकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया और उन्होंने अब के पाठक के बारे में ये कह दिया है कि हमें तो बोलने का अधिकार के पाठक ने छीन ही लिया है, लेकिन अगर आप यही बताइए कि अगर हम बीमार रहेंगे तो स्कूलों में पढ़ाई कौन करवाएगा, और के पाठक के खिलाफ बोलने की तो किसी की बोल सकते हैं औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी नौकरी चली जाती है। अब मीरा कुमारी का ये बयान किस तरीके से के पाठक को परेशानी में लाता है ये तो देखना लाजमी ही रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें के पाठक के फरमान की वजह से सिर्फ शिक्षक ही नहीं अब तो MLC भी परेशान रहते हैं। आपको याद होगा बीते दिनों सारे माले के और सारे दलों के MLC राजभवन पहुंचे थे ताकि के पाठक की शिकायत कर पाए और उनको उनके पद से हटाने की बात की जा रही थी, क्योंकि के पाठक का सीधा कहना है कि आप शिक्षक हैं और आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, ना किसी संघ से, ना किसी तरीके की पॉलिटिक्स से, ना किसी और चीज़ से। और के पाठक का यही अंदाज है जो सब कोई उनके दीवाने हो चुके हैं। चाहे बात करें हम, वो परेशान तो करते ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं सुधार भी आया। लेकिन ये मीरा कुमारी का ये वाक्य अब क्या कुछ सियासी सरगर्मी बढ़ाता है ये तो देखना लाजमी रहेगा। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IBTV देख रहे हैं। धन्यवाद।